हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फ्लिपकार्ट से EMI पे सामान खरीदना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट से EMI पे सामान कैसे ले सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। इसे देखने के लिए चलते अपने फोन पे। सो हेलो फ्रेंड, यहाँ आप अपने फोन पे है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट से किसी भी सामान को EMI पे कैसे ले सकते हैं, यानी कैसे खरीद सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सिंपली अपने फोन में फ्लिपकार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस सामान को EMI के द्वारा लेना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे इस फोन को यहाँ पे EMI के द्वारा लेना है, तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस फोन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुलकर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली बाय पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक करना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है EMI Easy Installment, तो यहाँ पे आपको इस पे टिक करना है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बैंक यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस बैंक के कार्ड के द्वारा यहाँ पे EMI पे फोन आपको लेना है या किसी भी सामान को यहाँ पे खरीदना है। तो चलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो चलिए इस पे हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट के पूरे बायोग्राफी यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ करके यहाँ पे दिया गया है। उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे सेटअप किया गया है, जैसे कि यहाँ पे 3 मंथ का 10,585 रुपये शो कर रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे अपना बजट देख लेना है कि आप कितने मंथ के अंदर में आप अपना इंस्टॉलमेंट चुका देते हैं, तो यहाँ पे आपको उसके हिसाब से यहाँ पे टिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं 24 मंथ वाले पे क्लिक करता हूँ। देन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपने कार्ड डिटेल्स को यहाँ पे सबमिट कर देना है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया कार्ड नंबर वैलिड, यहाँ पे आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर 5 या 6 डिजिट का एक कोड आएगा, जो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपका सामान ऑर्डर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने EMI पे किसी भी सामान को खरीद सकते हैं।